मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी डॉक्टर दिखाई जाती है जिसका इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है। ये डॉक्टर पब्लिक को बता रही होती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। इंटरव्यू लेने के लिए लेडी पूछती है, आपने अभी तक कितने लोगों का इलाज किया? जो डॉक्टर जिनका नाम एलिस होता है वो कहती है कि 10,000 लोगों का और सबके सब ठीक हो गए हैं। इनका इलाज 100% काम करता है और ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है। मूवी की स्टोरी 3 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ अमेरिका के मैनहट्टन को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से वीरान हो जाता है। यहाँ बहुत सी गाड़ियाँ लगी होती है पर कोई नहीं होता, बिल्डिंग भी खाली होती है और कोई भी इंसान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होता। पर उसी वक्त हम देखते हैं कि एक लाल कलर की कार बहुत ही स्पीड से आ रही होती है। इस गाड़ी के अंदर इस मूवी के मेन हीरो विल स्मिथ होते हैं और विल स्मिथ का डॉग भी इसी गाड़ी के अंदर होता है और ये दिखाया जाता है कि वो तेज कार चलाकर हिरण का शिकार कर रहे होते हैं। काफी मेहनत के बाद जब वो हिरण का शिकार कर लेते हैं तो वहाँ रोज शेरनी आ जाती है और वो इस हिरण को चपट कर इस हिरण का शिकार कर लेती है। तभी उनकी घड़ी का अलार्म बज जाता है और शाम हो जाती है जिस कारण वो उसे वही छोड़ देते हैं। इस अलार्म का मतलब होता है कि अब उन्हें घर जाना है क्योंकि वहाँ कोई इंसान तो नहीं होते, बहुत सारे म्यूटेंट होते हैं जो कि शाम के टाइम बाहर आ जाते हैं और लोगों की जान ले लेते हैं। इस मूवी में म्यूटेंट्स को डार्क सीकर का नाम दिया गया है। ये डार्क सीकर रात में ही बाहर निकलते हैं क्योंकि दिन में ये रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। विल स्मिथ अपने घर पहुंच जाते हैं जहां पर वो और उनका डॉग होता है और वो दोनों के लिए खाना बनाते हैं और अपने घर को पूरी तरह से बंद कर देते हैं और लाइट भी ऑफ कर देते हैं ताकि बाहर से कोई भी डार्क सीकर या म्यूटेंट अंदर न आ सके। फिर स्मिथ को अपने डॉग से बहुत प्यार होता है। वो और उसका डॉग एक बाथटब में मिलकर सो रहे होते हैं। इसी समय बाहर बहुत सारे डार्क सीकर्स दिखते हैं जो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं। तभी कहानी पास्ट की दिखाते हैं कि विल स्मिथ अपनी फैमिली के साथ होते हैं और वहाँ से वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर एयरपोर्ट की ओर तरफ जा रहे होते हैं। विल स्मिथ अपनी वाइफ को कम से कम 2 हफ्तों का खाना और पानी रखने को कहते हैं और एटीएम से पैसे निकलवा कर अपने पास रखने को भी कहते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि आर्मी ये एरिया 1 घंटे में सब कुछ सील कर देगी। और उसकी वाइफ उस वायरस के कारण बहुत परेशान होती है और पूछती है कि क्या ये वायरस हवा से फैल रहा है। इस समय विल स्मिथ को कुछ नहीं पता होता, वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है और कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। एयरपोर्ट जाकर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ होती है क्योंकि सबको अपनी जान बचानी होती है और सभी को वहाँ से बाहर जाना होता है। पर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी लोगों को इजाजत देती है जो इस वायरस से इफेक्टेड नहीं है, जिससे ये बीमारी दूसरे शहर में ना जाए। वो लोग एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि ये पता देती है कि ये इंसान इफेक्टेड है या नहीं। इस मशीन में विल स्मिथ का बच्चा तो पास हो जाता है पर उसकी वाइफ इफेक्टेड आती है जिस कारण वो लोग उसे वहीं रोक लेते हैं। विल स्मिथ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें सीनियर ऑफिसर होने के कारण दोबारा चेक करने को कहते हैं जिसके बाद उसकी वाइफ ठीक निकल आती है और वहाँ से जाने लगते हैं। विल स्मिथ एक सीनियर ऑफिसर होते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल हेलीकॉप्टर आता है जिसमें उनकी वाइफ और उनका बच्चा जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर आता है जिस पर वो डार्क सीकर्स हमला कर देते हैं। वो हेलीकॉप्टर विल स्मिथ की वाइफ वाले हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और उसकी वाइफ बच्चे और बाकी लोगों की डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि विल स्मिथ एक लैब में काम कर रहे होते हैं जो कि इफेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए मेडिसिन बना रहे होते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वहाँ पर इफेक्टेड चूहे भी होते हैं और उन लोगों पर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और यह चेक करते हैं कि इन चूहों पर इस दवाई का कोई असर हो रहा है या नहीं। पर इन पर कोई असर नहीं होता और वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसी परेशानी के चलते उनकी नज़र एक चूहे पर पड़ती है जो कि सुकून से बैठा होता है। विल स्मिथ को लगता है कि शायद जो मेडिसिन मैंने इस चूहे को दी है वो कामयाब है और वो इस मेडिसिन को इंसानों पर
पढ़ाई करने की सोचते हैं ताकि जितने भी लोग हैं उनको इन इन्फेक्शन से बचाया जा सके और जो डार्क सीकर्स हैं उन्हें भी फिर से इंसान बनाया जा सके। मूवी अब प्रेजेंट मूवमेंट की दिखाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि वो FM रेडियो के थ्रू एक मैसेज भेजता है, अगर कोई इंसान उसे सुन रहा है, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है तो मैं मौजूद हूँ, मैं आपको खाना और बाकी सुविधा दे सकता हूँ। और वो कहते हैं कि वो 12 बजे तक एक ब्रिज पर होते हैं, रोज वो आपको वही मिलेंगे। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई उनसे मिल सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ कोई और भी होगा, वो यहाँ अकेले नहीं बचे। शिकार करते हुए उन्हें एक और हिरन नजर आता है और वो और उनका डॉग उसका पीछा करते हुए एक रूम तक पहुँच जाते हैं। विल स्मिथ तो उस रूम में नहीं जाता क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा होता है, पर उनका डॉग वहाँ चला जाता है। विल स्मिथ अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो भी उस अंधेरे वाले रूम में चले जाते हैं और अपनी बंदूक पर लगी लाइट की रोशनी से अपने डॉग को ढूंढते हैं। उन्हें वो डॉग मिल जाता है पर वो काफी डरा हुआ होता है। तभी विल स्मिथ को कुछ आवाजें आती है। विल स्मिथ पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ एक डार्क सीकर होता है। इससे पहले कि वो डार्क सीकर विल स्मिथ पर अटैक करे वो उसे गोली मारकर मार देते हैं और अपने डॉग को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी शोर को सुनते हुए बाकी डार्क सीकर भी बाहर आ जाते हैं और विल स्मिथ के पीछे लग जाते हैं। एक डार्क सीकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, तभी वो खिड़की से छलांग मार देते हैं। वो लोग बाहर रोशनी में आ जाते हैं जिस कारण वो डार्क सीकर मर जाता है क्योंकि वो लोग रोशनी में नहीं आ सकते। अब विल स्मिथ को पता चलता है कि यह डार्क सीकर है। वो एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना मैं एक डार्क सीकर को पकड़ लूं और उस पर एक्सपेरिमेंट करूं, और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। वो एक फंदा बनाते हैं ताकि वो डार्क सीकर को पकड़ सके। इसी दौरान वो अपने डॉग को कार में बंद कर देते हैं ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो खुद तरह तरह के इंजेक्शन लेते हैं ताकि उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो, पर उनका डॉग नहीं लेता। थोड़ी देर में वहाँ एक डार्क सीकर फंस जाता है और वो विल स्मिथ के कब्जे में होता है। तभी वहाँ एक और डार्क सीकर आता है। वो उन्हें देख कर बहुत जोर से चिल्लाता है पर वो बाहर नहीं आ सकता है। तभी विल स्मिथ ने जो डार्क सीकर को पकड़ा था उसे अपनी लैब में लेकर चले जाते हैं। अब विल स्मिथ उन पर वही दवाई का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने उस चूहे पर की थी, जो चूहा थोड़ी देर में ठीक हो गया था। दवाई लेने के बाद उस डार्क सीकर के सांसें अब धीरे धीरे चल रही होती है, इससे विल स्मिथ को लगता है कि शायद ये ठीक हो रहा है और उसी वक्त वो जाग जाता है और जोर जोर से चीखे मारने लगता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और विल स्मिथ काफी डिप्रेस हो जाते हैं कि इलाज सही तरीके से नहीं हुआ, और तभी वो एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। वीडियो में कहते हैं कि जो दवाई मैंने बनाई है वो मुझे तो बचा सकती है, पर जो लोग इफेक्टेड हो चुके हैं वो उन्हें नहीं बचा सकती। वो बार बार इस चीज की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन डार्क सीकर को बचाया जा सके, और वो कहते हैं कि आज मैं जब एक डार्क सीकर को पकड़ रहा था तो एक डार्क सीकर उनको घूर रहा था और वो घूरता घूरता बाहर रोशनी में भी आ गया था और रोशनी का असर उस पर कुछ नहीं हो रहा था, और ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। अब वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, वो अपने आप को बाहर रोशनी में जाने की आदत डाल रहे हैं, और ये सब वो एक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अमेरिका के शहर मैनहट्टन में रहते हुए विल स्मिथ को 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। इस दिन विल स्मिथ अपने डॉग के साथ बाहर जा रहा होता है तो उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है और वो उल्टा होकर हवा में लटक जाते हैं। ये फंदा डार्क सीकर ने लगाया होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं। विल स्मिथ हवा में लटका होता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है और शाम तक वहीं फंसे रहते हैं, और तभी उनकी घड़ी का अलार्म बजता है और उन्हें होश आता है और नीचे से विल स्मिथ का डॉग भी बार बार भौंक रहा होता है। विल स्मिथ देखते हैं कि शाम हो गई है और बाहर डार्क सीकर का आने का समय है। वो एक चाकू लेकर उस रस्सी को काट देते हैं पर वही चाकू उनके पैर में लग जाता है। विल स्मिथ अपने डॉग के साथ अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। इसी दौरान एक डार्क सीकर उनके पास आ जाता है। ये वही होता है जो उस समय रोशनी में आ गया था, और उसके पास अपने भी दो डॉग होते हैं जो कि इफेक्टेड होते हैं। डार्क सीकर्स उन दोनों कुत्तों को विल स्मिथ और उसके डॉग पर छोड़ देता है। विल स्मिथ उन दोनों कुत्तों को मार देता है पर एक कुत्ता विल स्मिथ के डॉग को काट लेता है जिससे वो डॉग भी इफेक्टेड हो जाता है। वो जल्दी से उसे अपनी लैब में लेकर जाते हैं
ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके, पर कोई भी दवाई उस डॉग पर असर नहीं करती। फिर विल स्मिथ गला दबाकर अपने डॉग को मार देते हैं और अब वो वहाँ पर अकेले रह जाते हैं। बस विल स्मिथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो दिन में बाहर नहीं जाता, अब वो रात को बाहर जाता है ताकि वो इन डार्क सीकर को खत्म कर सके। वो अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से जाता है और उन सभी डार्क सीकर को धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। तभी उन्हें मारते मारते उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जख्मी भी हो जाते हैं। वहीं पर एक डार्क सीकर उनके पास आ जाता है। ये डार्क सीकर सभी का बॉस होता है। इससे पहले ये डार्क सीकर विल स्मिथ को कुछ करता, वहाँ एक जोरदार रोशनी होती है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। विल स्मिथ घायल हालत में होता है। तभी उसे एक आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हो। वो बेहोशी की हालत में अपना एड्रेस बताने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं कि विल स्मिथ को जब होश आता है तो वो अपने रूम में होता है और वहाँ पर एक लड़की और उसका लड़का होता है और वो उनको देखकर हैरान और खुश भी हो रहा होता है कि कोई तो है इसके अलावा यहाँ। और वो लड़की कहती है कि हमने आपका FM रेडियो पर आपका मैसेज सुना और आपकी लोकेशन जानकर आपके पास आ गए और हमने आपके द्वारा बताए गए पुल पर भी गए थे, पर आप बाहर आए नहीं और फिर हमने आपको यहाँ देखा डार्क सीकर के बीच फंसे हुए, हम आपको बचाने आ गए। वो विल स्मिथ से कहते हैं कि हमें एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर इस वायरस का कोई असर ना हो और ना ही ये डार्क सीकर हो। विल स्मिथ कहता है कि तुम भूल जाओ, ऐसी कोई जगह नहीं है। वो कहती है ऐसी जगह है। फिर शाम हो जाती है। अब विल स्मिथ रोज की तरह अपने घर को लॉक कर रहा होता है। विल स्मिथ लॉक करता है तो उसे बहुत सारे डार्क सीकर की आवाज आती है जो कि उसके घर की तरफ बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि जब उसे वो लड़की ला रही थी तो इन डार्क सीकर ने देख लिया होगा, तभी ये लोग यहाँ आज तक पहुँच गए हैं। वो इस चीज के लिए पहले से ही रेडी था। उसने अपने घर के बाहर डिफरेंट तरह के बम लगाए हुए थे ताकि कोई उसके घर के पास आए और वो ब्लास्ट हो जाए और उसके घर तक कोई ना पहुँच सके। तभी वहाँ वो डार्क सीकर उस बम की वजह से मरने लगते हैं, पर वो बहुत ज्यादा होते हैं और कुछ डार्क सीकर उसके घर में घुस जाते हैं और वो विल स्मिथ उन सभी को मारने लगता है और उसे लगता है कि शायद उसने सभी को मार दिया है। अब घर में कोई दूसरा डार्क सीकर नहीं है। अब वो लोग उसी डार्क सीकर के पास जाते हैं जो उसकी लैब में मौजूद था। वो देखते हैं कि वो अब इंसान बन रहा होता है। जितना भी इन्फेक्शन था उसे वो कम हो रहा होता है। तभी वहाँ बहुत सारे डार्क सीकर आ जाते हैं, पर वहाँ एक बुलेट प्रूफ शीशा होने के कारण उन्हें विल स्मिथ तक पहुँचने में समय लगता है। विल स्मिथ सभी डार्क सीकर से कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, पर वो उन्हें सुनते नहीं है और विल स्मिथ को मारने के लिए वो बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ने लगते हैं। विल स्मिथ डार्क सीकर जो ठीक हो रहा होता है उसका ब्लड सैंपल लेकर उस लड़की को दे देता है और उन्हें एक सेफ चैम्बर में बिठा कर वहाँ से जाने को कहता है। वो कहता है कि ये सैंपल वहाँ उस बस्ती में दे देना, ये शायद उस इन्फेक्शन की दवा है। वो लड़की विल स्मिथ को भी आने को कहती है, पर विल स्मिथ मना कर देता है, कहते हैं कि मुझे इन्हें रोकना होगा, तुम जाओ यहाँ से। तभी विल स्मिथ एक दरवाजे को ओपन करता है, वहाँ से एक हैंड ग्रेनेड निकलता है और वो भागते हुए उन डार्क सीकर के पास आ जाता है और जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और विल स्मिथ समेत सभी डार्क सीकर मारे जाते हैं। उधर वो लड़की सेफ जगह पर पहुंच जाती है और वो ब्लड सैंपल वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को दे देती है और इस तरह विल स्मिथ ने अपनी जान देकर सभी इंसानों को बचाया और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।